हेलो एवरीवन, वेलकम टू माथेरन। मैं हूं अभी माथेरन में, और आप भी अगर पुणे मुंबई से माथेरन आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। और कहीं बाहर से भी आ रहे हो घूमने के लिए माथेरन, तो हम पूरा माथेरन एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ की टॉय ट्रेन, हॉर्स राइड, यहाँ पे होटल में आप अगर रुकते हो, स्टे करते हो तो क्या चार्ज रहेगा, और यहाँ पे मेन कौन कौन से पॉइंट आप घूम सकते हो, तो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं माथेरन में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, बारिश बहुत हो रही है माथेरन में। चलिए एक्सप्लोर करते माथेरन। बस पहुंच चुका हूं पुणे रेलवे स्टेशन। यहां से जा रहा हूं अभी करजत। अपनी ट्रेन खड़ी है ये सिंहगढ़ एक्सप्रेस, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मिलेगी। करजत उतरते ही CSMT फास्ट लोकल मुझे मिल गई है नेरल जंक्शन के लिए। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो कल्याण जंक्शन से डायरेक्ट नेरल जंक्शन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। रास्ते में दोस्तों मानसून के टाइम इस सीजन में तो बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। मैं आ गया हूँ नेरल जंक्शन, माथेरान के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ये नेरल जंक्शन ही है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और शेयरिंग कैब में जाते हैं माथेरन। तो रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही राइट साइड में आपको सीधा आगे चला जाना है 200 मीटर, वहाँ से शेयरिंग कैब मिल जाएगा। ऑटो भी है यहाँ पे, पर आप शेयर कैब से ही जाना, 100 रुपए में आपको नेरल से माथेरान तक के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों आप महाराष्ट्र के कई बाहर से आ रहे हो तो आप सीधा मुंबई एयरपोर्ट पे आ जाओ, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो करजत जंक्शन आ जाओ। करजत जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो मुंबई के कल्याण जंक्शन आ जाओ, वहां से डायरेक्ट नेरल के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और नेरल से 100 रुपए में शेयर कैब से माथेरान चले जाओ। और दोस्तों नेरल से माथेरान के लिए टॉय ट्रेन भी जाती है, पर वो बारिश के दिनों में बंद रहती है। और दोस्तों आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो बारिश के दिनों में तो बहुत अच्छा मजा आने वाला है, बस 2-व्हीलर को आप अवॉइड कर सकते हो। और रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत से वाटरफॉल्स दिखेंगे, जहां आप अपनी गाड़ी रोक सकते हो साइड में, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, नहा सकते हो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माथेरान दस्तूरी कार पार्किंग पॉइंट। यहां पर आप अपनी कार 2-व्हीलर पार्किंग में लगा सकते हो, इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है। और इस गेट से हमें अंदर जाना है पैदल, और सामने की तरफ कार का पार्किंग है, 2-व्हीलर का पार्किंग है। तो चलिए दोस्तों अंदर एंट्री करते हैं माथेरान। और यहाँ पे जो टिकट प्राइस है एडल्ट 50 रुपीस और चाइल्ड का 25 रुपीस है। गाइस माथेरान में बारिश बहुत है, वहां से टिकट लिया मैंने अभी, ठीक है, 50 रुपए का एडल्ट और 25 रुपए का चाइल्ड। अभी चलते सीधा आगे। गाइस जादू तो आपको बनना ही पड़ेगा। बहुत बारिश हो रही है, फुल रेनकोट पहन लिया मैंने, ऊपर से छाता भी ले लिया। अब गाइस यहाँ पे टॉय ट्रेन का सीन देखते हैं क्या सीन है। गाइस यहाँ पे घोड़े वोड़े भी है, और पीछे ऑटो भी है। जितने पॉइंट आप कवर करोगे उतने पॉइंट के हिसाब से पैसे हैं घोड़े के। गाइस जहाँ पे मेरे को गाड़ी वाले ने छोड़ा था वहाँ से कुछ 5 मिनट चल के आप आगे आओगे सीधा, तो अमन लॉज पहुँच जाओगे। जो माथेरान का जो लोकल ट्रेन का टिकट काउंटर वगैरह है वो सब वहीं पे ही, अमन लॉज मतलब स्टेशन का ही नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम अमन लॉज। सामने देखिए वेलकम टू माथेरान लिखा है। भाई शूज तो मेरे अभी से गीले हो गए। ये है दोस्तों अमन लॉज से माथेरान जाने का टॉय ट्रेन का टाइमिंग, ये आप देख सकते हो। वहाँ पे टिकट काउंटर था ये टॉय ट्रेन का, और जस्ट इसके आगे ये अमन लॉज रेलवे स्टेशन, वेलकम टू माथेरान। और इधर राइट साइड में दोस्तों ई रिक्शा और घोड़े से आप जा सकते हो माथेरान तक, और इधर बीच में टॉय ट्रेन का ट्रैक है, तो हम ट्रैक से जाने वाले हैं सीधा आगे। गाइस ये है अमन लॉज रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ से आपको रिक्शा, घोड़ा और टॉय ट्रेन, इन तीनों के द्वारा आप आगे जा सकते हो, पर टॉय ट्रेन का फिक्स टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो मैं भी ट्रैक करके जा रहा हूँ, देखते कितना टाइम लगता है। यहाँ पे गाइस बारिश आ रही है, रुक रही है, ऐसा ही माहौल चल रहा है फुल। वो पीछे अमन लॉज बहुत अच्छी जगह है, ग्रुप में आओगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो अकेला आया हूँ, शूज तो मेरे अभी से गीले हो गए यार। बारिश हो रही है जोरदार, और दोनों तरफ देखो ऐसे पूरा जंगल है। यहाँ की जो मिट्टी है वो भी रेड कलर की है। अभी कैसा है, टॉय ट्रेन 12 बजे की थी, मैं अमन लॉज उतरा ना तो 12 बजे की टॉय ट्रेन थी, इसके लिए मैंने सोचा अभी इतना कौन वेट करेगा। ट्रैक से पैदल पैदल चलते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे। माथेरान में आना है तो रेनकोट और छाता तो भूलना भी मत, लेके आना साथ में, बाकी आपको बारिश एंजॉय करनी है तो फिर आ सकते हो बिना रेनकोट बिना छाता के। यहाँ पर गाइस आपको मंकी भी देखने को मिलेंगे, रेड मुंह वाले। इधर नीचे का वेदर देखो, ओहो हो वाटरफॉल वगैरह बहुत सारे हैं, पर वेदर पूरा देखो फॉग फॉग है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ये भाई रेड मुंह वाला मंकी, इससे बच के रहना। फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस, देखो आगे 50 मीटर से आगे ज़्यादा नहीं दिख रहा है मेरे को। इधर देखो नीचे तो पूरे वाटरफॉल्स वगैरह बहुत सारे हैं, फॉग की वजह से नहीं दिख रहा। वो देखो नीचे वाटरफॉल है गाइस। आप ग्रुप में आओगे तो ये ट्रैक तो कुछ भी नहीं लगेगा चलने के लिए, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा।
बीच में ऐसे रुक भी सकते हो, ये देखो ऐसे बना हुआ है। बारिश ज़्यादा लग रही है आपको तो। गाइस यहाँ पे लगभग 30-40 पॉइंट है ऐसे देखने के लिए, पर जो मेन पॉइंट है, मतलब ज़्यादातर पॉइंट सेम ही है। जब आप जाओगे ना उस पॉइंट पे तो ऐसा लगेगा मतलब सेम ही है क्या है, पर जो मेन पॉइंट है जो आपको ज़रूर देखने चाहिए वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी देखिए इधर पूरे रिसोर्ट बने हुए, आप इधर स्टे भी कर सकते हो। पर रिसोर्ट का जो मैं प्राइस की बात करूँ तो गाइस नॉर्मल इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में आपको 1000 रुपये के नीचे तो रूम कहीं पे मिलेगा भी नहीं। पूरा फॉग चारों तरफ। उधर देखिए वो रिक्शा जा रहा है, देखिए ऑटो। तो मैं, आप ऐसे ऑटो के थ्रू भी जा सकती हो, मैं जा रहा हूँ ऐसे ट्रैक से। वो देखिए घोड़े भी जा रहे हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है अमन लॉज से आगे माथेरान तक जाने के लिए। इधर है होटल गोकुल विला। जीन्स पहन रखी है और ऊपर से पूरा रेनकोट पहन रखा है, इतनी गर्मी लग रही है ना। बारिश से गीला नहीं हो जाऊँगा, पसीने से गीला हो जाऊँगा। अभी चल ही रहा हूँ मैं अमन लॉज से, ऑलमोस्ट मेरे को 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट से ऊपर। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। गाइस चल के माथेरान आने वाला है, मतलब आ गया हूँ ऑलमोस्ट, यहाँ से 100 मीटर आगे है। गाइस यहाँ पे रिक्शा के लिए लाइन भी लगानी पड़ेगी आपको, ये लाइन लगाए हुए है वापस अमन लॉज के जाने के लिए। ठीक है, ये पूरे इधर शॉप बनी हुई है, रेनकोट वगैरह कुछ भी ऐसे एक्सेसरीज आप परचेस करना चाहो तो। इधर सब लॉज है, कॉटेजेस है, रिसोर्ट है, रुक भी सकते हो, स्टे कर सकते हो। वैसे तो आपको एक दिन यहाँ पे रुकना चाहिए अगर आप दूर से आ रहे हो तो। सामने आ गया है माथेरान। ऑलमोस्ट मेरे को 25 मिनट के आसपास लगे, आराम से चल के आ रहा था मैं। 20-25 मिनट लगेंगे आपको। सामने देखो खड़ी है टॉय ट्रेन, आई लव माथेरान लिखा है। अभी चलते जरा यहाँ पे, देखते किस तरफ कौन से पॉइंट है, सब कवर करते हैं। यहाँ पर भी टॉय ट्रेन का टाइमिंग लिख रखा है। गाइस ये माथेरान का रेलवे स्टेशन, ये टॉय ट्रेन, अंदर से देखो छोटी छोटी सीटें हैं, मस्त प्यारी प्यारी। आपको ट्रेन दिखा देता अंदर से, वापस आऊंगा तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे। लोग आगे चढ़ के फोटो खिंचा रहे। गाइस इधर था रेलवे स्टेशन, जस्ट बाहर निकला हूँ माथेरान के रेलवे स्टेशन से। यहाँ से आप घोड़े वोड़े लेके पॉइंट पे घूम सकते हो और बग्गी से भी घूम सकते हो। यहाँ पर है हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर, मिरर मैच भी है, अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पे गेम सिटी भी है। ये पूरा माथेरान का मार्केट है, गेम जोन बना रखा है इधर पूरा। इधर एक पॉइंट है माधव जी पॉइंट। ये है नौरोजी लॉर्ड गार्डन। ये गाइस पूरा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़े बड़े और अच्छे रिसोर्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ पर है दोस्तों माथेरान का मैप, आप पूरा फोटो क्लिक कर सकते हो। और ये पूरा माथेरान का बाजार है, मार्केट है, हमें सीधा जाना है आगे। गाइस बहुत घूमना पड़ेगा इसलिए मेरा बैग मैं यहाँ पे लॉकर में रख रहा हूँ, तो 100 रुपये चार्ज है लॉकर के। सामने है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान। यहाँ पे गाइस ये वीर तात्मा भाई कोतवाल प्राथमिक विद्या मंदिर भी है, स्कूल है, प्रॉपर गांव है इधर। इस तरफ है गाइस इको पॉइंट, आप ऐसे घोड़ा भी लेके जा सकते हो। देखिए दो लोग जा रहे हैं आगे। इस तरफ ये सब पॉइंट है, शार्लोट लेक, इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, लुइजा पॉइंट, बलंग पॉइंट, ये कवर करते हैं आगे। चलिए गाइस यहाँ से दो रास्ते हो रहे, इको पॉइंट वगैरह इस तरफ है, इधर शार्लोट लेक है। तो चलिए पहले शार्लोट लेक देख के आ जाते हैं। सीलिया पॉइंट, चार्लोट लेक, लॉर्ड पॉइंट वगैरह सब इधर ही है, चलिए पहले वो देख के आते हैं। रेनकोट पहन रखा था फिर भी गीला हो गया इसकी वजह से, पूरा खोल के कमर के मान दिया। पैंट पहन रखी है सिर्फ, शूज वो सब गीला है, पर जगह एक नंबर है यार, मस्त बहुत ज़्यादा। इधर तो रास्ते में फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, कुत्ता ज़रूर दिख रहा है मेरा साथी, अभी इधर कोई नहीं है मेरे साथ। आप पुणे मुंबई से आ रहे हो तो ठीक है, एक दिन में आप घूम के जा सकते हो, पर कहीं दूर से आ रहे हो तो स्टे करो यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा माथेरान में। जगह जगह आपको स्पॉट तो मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस किस तरफ जाना आपको किस तरफ नहीं। इको पॉइंट, सीलिया पॉइंट, शार्लोट लेक और श्री पिसरनाथ मंदिर। अच्छा यहाँ पे टेंपल भी है एक, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है लास्ट में। इसके बीच में ये सब 3 पॉइंट पड़ेंगे, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गाइज आपको जगह जगह कुत्ते तो देखने को मिलेंगे। आप गाइज अकेले भी आ रहे हो ना तो भी यहाँ पे घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपल हो कोई डर नहीं है, यहाँ पे आराम से घूम सकते हो।
ये जेड प्लस सिक्योरिटी को एक बिस्किट खिला दो, साथ साथ चलेगी आपके बिंदास। वैसे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे अच्छी जगह है, प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो जेड प्लस सिक्योरिटी चारों तरफ है यहाँ पे। गाइस हवा की आवाज आ रही है क्या? कितनी तेज हवा चल रही, बारिश आ रही है एक्चुअली हवा के साथ में। सामने की तरफ है शार्लोट लेक और जस्ट इसके यहाँ पे पास में है सीलिया पॉइंट। गाइस वहाँ पे नीचे मत जाना बारिश के दिनों में। पानी बहुत तेज है भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा, पूरा फॉग फॉग है। पानी बहुत तेज बह रहा है अंदर। यह है दोस्तों शार्लोट लेक और जस्ट इसके ऊपर सामने चल के आओगे तो सीधा सामने मंदिर है, श्री पिसरनाथ जी मंदिर। और यहीं पे बहुत सारी शॉप है खाने पीने के लिए भी। चलिए दर्शन करते हैं अंदर श्री पिसरनाथ जी के। ये यहाँ के गांव के देवता हैं। शार्लोट लेक के सीधा सामने टेंपल है वो ऊपर, और इधर नीचे है टेंपल के जस्ट बाहर निकलते लेफ्ट साइड में लॉर्ड पॉइंट आएगा नीचे। कभी ये नज़ारे देखना भूलना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओहो शानदार है भाई। तो गाइज अभी हम उस तरफ बहुत सारे पॉइंट देख के आए, अभी ये जो पॉइंट है चलेंगे इस तरफ। चलिए पूरे पॉइंट कवर करते हैं। बहुत मजे, सूज हो गए पूरे गीले। आज पैरों की तो हालत खराब होने वाली है मेरी, पूरे सॉक्स सूज अंदर गीले। पानी में काफी टाइम रखने के बाद पैर कैसे हो जाते, पूरे वैसे हो जाएंगे मेरे आज पैर तगड़े वाले। यहाँ पे गाइज छोटा सा मतलब लेक जैसा बना हुआ है, पानी भरा हुआ है अंदर। इस तरफ तो कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि पॉइंट इतने ज़्यादा है ना यहाँ पे, लोगों को एक्चुअली लोग बाहर से आते हैं उनको पता नहीं रहता है कौन कौन से पॉइंट कवर करने चाहिए। बाहर से आ रहे हो ना एक दिन स्टे ज़रूर करो यहाँ पे, रुको क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है देखने के लिए। ट्रिप एकदम मस्त होने वाली है, एकदम एक नंबर जगह है। गाइज अभी हम ये वाला पॉइंट देख के आए, शार्लोट लेक लॉर्ड पॉइंट वगैरह। अभी चलते ये पॉइंट देखने, किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, इको पॉइंट। ये जो जो मैं आपको मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, ये मेन पॉइंट है, ये ज़रूर देखना आप। बाकी तो ऐसे ही ये नाम दे रखे खाली बस पॉइंट, ओके इतने कुछ खास नहीं है। पर ये जो जगह है वहाँ पे आप फोटो वगैरह शूट अच्छे से कर सकते हो, अच्छी जगह है। मतलब वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। चलिए चलते आगे। यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं रखोगे तो चलेगा, ये पेड़ वेड़ गिर सकते हैं ऊपर से बारिश के दिनों में। देखो गाइस जैसे घना जंगल देखने को मिलेगा मस्त वाला। ये है सामने किंग जॉर्ज पॉइंट लेफ्ट साइड में, किंग एडवर्ड पॉइंट और इको पॉइंट इधर राइट साइड में। तो चलिए पहले किंग जॉर्ज पॉइंट देखते हैं। गाइस रास्ता तो देखो आप, हैं कितना गजब दिख रहा है। गीला तो हो गया हूँ खाली बस कैमरे की सेफ्टी के लिए छाता ले रखा है मैंने। व्यूज देखो खाली आप बस, वाह किधर से जाने का है। हवाएं बहुत तेज चल रही, ओ माय गॉड आगे तो सीन जोरदार हो रखा है भाई। ओ माय गॉड भाई छाता तो मेरे को बंद करनी पड़ेगी, बहुत खतरनाक सीन हो रखा है भाई। ओ माय गॉड आज इधर से पूरा रिवर्स वाटर आ रहा है। ये देखो पूरा रिवर्स वाटर आ रहा है। ये है किंग जॉर्ज पॉइंट, यहाँ से बहुत नजदीक से आपको बहुत बड़ा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। अभी मैं आ गया हूँ इको पॉइंट पे, ये सामने इको पॉइंट है। लोग तो फोटो खिंचा रहे बहुत तगड़े वाले।
गाइस यहाँ पे ये मतलब मेन स्पॉट है, इधर से सब जगह आपको पॉइंट के बोर्ड लगे हुए, किस तरफ कौन से पॉइंट है। इधर है हनीमून पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना 6 पॉइंट, इनमें से सबसे अच्छा है लुइजा पॉइंट जो यहाँ से 2.7 किलोमीटर दूर है इस तरफ। पर मैं अभी सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इधर मैंने भाई से पूछा, घोड़े वाले से, वो बोले इसमें से लुइजा पॉइंट ठीक है, अच्छा है, बाकी तो ऐसे ये सेम, खाली नाम लिख रखा है उनका। चलो गाइस आए हैं तो चलते, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, थोड़ी सी एनर्जी और लगाते लुइजा पॉइंट भी दिखा देते आपको। लैंडस्केप पॉइंट, ये पॉइंट पे पॉइंट आ रहे भाई इधर, ये भगवान क्या जुलूम है। थोड़ा रोड अच्छा बना रखा है, नहीं तो वो वाले पॉइंट लेक की तरफ तो थोड़ा खराब था रास्ता, इस तरफ प्रॉपर अच्छा बना रखा है, मतलब पॉइंट अच्छे रहेगा लुइजा पॉइंट। इस तरफ से भी देखो दो रास्ते, रास्ते ही रास्ते यार, ये तो भूल भुलैया बना रहे यार आगे तो 3 कुत्ते आ रहे भाई। इधर है मलंग पॉइंट, हनीमून पॉइंट, लुइजा पॉइंट, इधर ही 1.8 किलोमीटर। ये लो भाई कोरोनेशन पॉइंट, रुस्तम जी पॉइंट, चिनाय पॉइंट, सनसेट पॉइंट। अभी तो ऐसे मौसम में सनसेट पॉइंट कौन देखेगा यार, 2.2 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये टाइम तो इधर जाना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, इधर चलते। वो घोड़े वाले ने बोला था लुइजा पॉइंट अच्छा है, 1.8 किलोमीटर चलते ज़रा। अगर आपको बारिश का मौसम पसंद है तो ये जगह सबसे बेस्ट है घूमने के लिए आपके लिए। अगर आपको बारिश नहीं पसंद है तो आप सर्दी के टाइम में यहाँ पे आओ और एक बार ज़रूर विजिट करो माथेरन, बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। इधर शौचालय, जगह जगह से आपको ऐसे पानी, छोटे छोटे वाटरफॉल दिख जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ हनीमून पॉइंट की तरफ, कपल आ जाइए, हनीमून पॉइंट इधर ही है, हनीमून पॉइंट नीचे चलते उधर। भाई इधर कोई हनीमून तो नहीं मना रहे कैप्चर नहीं हो जावे भाई, छोटा सा बच्चा दिख रहा आगे। तो गाइज ये था हनीमून पॉइंट, यहाँ पे 2 कपल थे, अपना इधर काम नहीं है, दूसरी जगह चलते। यहाँ पे गाइज होर्स वाले आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना, क्योंकि एक जगह पे जाओगे ना तो वहीं पे आपको 4-5 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे और वो बोलेंगे 4-5 पॉइंट के आपसे 1000 रुपए 500 रुपए ऐसे। तो एक बार क्लियर कर लेना, जो मैंने पॉइंट दिखाए ना मेन वही पॉइंट आपको देखने। इधर थोड़ी पब्लिक कम दिख रही है क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ता है पॉइंट, तो लोग ज्यादा आते नहीं, उधर घूमते थक जाते, पब्लिक बहुत कम दिखे, मतलब है ही नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं। अभी आगे दिखेगी पॉइंट पे मेन, तो दिखा दे आपको। इधर थोड़ी थोड़ी आवाजें भी आ रही है, मेरे को लगता है लोग चिल्ला रहे, वही आ रही है विसल विसल की जैसे आवाज बज रही है। गाइस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है क्योंकि कोई नहीं है इधर, ऑलमोस्ट मैं 1 किलोमीटर चल के आ गया इधर से। अभी आगे मेन पॉइंट पे पब्लिक दिखे तो ठीक है, बाकी फिलहाल तो मुझे कोई नहीं दिख रहा इधर। जगह तो ऐसी है ना, देखो आप इधर पूरा जंगल, इस दोनों तरफ तो पूरा जंगल है, ये बीच में रास्ता बनाया हुआ। गाइज आप ग्रुप में हो तो ही आना इधर, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि तेंदुए ने अटैक कर दिया है लोगों के ऊपर। मेरे अंदर तो थोड़ा सा कीड़ा है, इसके लिए मैं आ गया अकेला लिटरली मैं 1.5 किलोमीटर के आसपास आ गया, एक सिंगल पर्सन नहीं दिखा मेरे को इधर। आगे आई होप कि मिल जाए मुझे, देखते हैं, एडवेंचर यही होता है एडवेंचर। वैसे तो अभी तक माथेरान में ऐसी न्यूज़ अभी तक आई नहीं है माथेरान से कि तेंदुए ने अटैक किया या ऐसा कुछ जंगली जानवर यहाँ पे देखने को मिला है। मैं ग्रीन सांप देखने की ट्राई कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, पर मिल नहीं रहे मेरे को, किधर दिखेंगे तो दिखाता मैं आपको। आगे फाइनली लोग दिखने लगे, आगे ग्रीन सांप किधर है भाई। तो गाइस डरने की बात नहीं है, आगे है रेस्टोरेंट वगैरह, लोग भी है, पर ये जो बीच में जो रास्ता है ना 1.5 किलोमीटर के आसपास का, वो थोड़ा सा डेंजर लगता है मेरे को। छोटा सा बंदर है ये तो आपको पूरे रास्ते में मिल जाएंगे। गाइस मैं इस रास्ते से आया था, इधर ये पॉइंट है, अभी कोरोनेशन पॉइंट, ये वाले पॉइंट आप इस तरफ देखने जा सकते हो। ये जो पॉइंट है लुइजा पॉइंट, इसके लिए आया था मैं खास, यहाँ से 0.7 किलोमीटर। लुइजा पॉइंट से पहले आएगा मलंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट है दोस्तों मलंग पॉइंट, मलंग मलंग मलंग, यहाँ से आपको गाँव दिखेंगे नीचे मलंग पॉइंट से, छोटे छोटे गाँव मस्त प्यारे प्यारे। तो ये है मलंग पॉइंट, चलिए चलते आगे। मैं ग्रीन स्नेक साइड साइड में ढूंढ रहा हूँ, कहीं ऊपर से मेरे सीधा गले में ही नहीं गिर जाए
गाइस मुझे ग्रीन स्नेक दिख गया, सांप जो मैं काफी देर से ढूंढ रहा था अभी दिखा था। इतना मेरे को तो मस्त लग रहा है यार, दिख रहा है आपको? ये भाई उड़ के अटैक नहीं कर दे, जल्दी वहां से हटो। ग्रीन स्नेक भाई, ये तुम्हारा लुइजा पॉइंट आ गया यार फाइनली। काफी चलना पड़ा इसके लिए, चलो पर अच्छा हुआ ग्रीन स्नेक भी देखने को मिला। इधर भी जाके फोटो खिंचवा सकते हो, आगे भी लोगे। आगे चलते, वहां से आपको व्यूज दिखा देते। ये किसी की छाता यहाँ पे टूट गई तो ऐसे फेंक दी। ये लोग गंदगी फैलाते हैं, डस्टबिन में डालना चाहिए एटलीस्ट। पर इधर तो पूरा फॉग है, वेट करना पड़ेगा आपको फोटोशूट के लिए। पॉइंट अच्छा है, लुइजा पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट लग रहा है मुझे। चलो उधर से व्यूज दिखाते हैं आपको यार। ओ ये रहा वाटरफॉल, तो मैन वाला। ओहो हो गाइस, यहाँ पे वाटर रिवर्स आ रहा है पूरा हवा की वजह से। ओ माय गॉड, इधर आगे तो मैं जा भी नहीं सकता भाई, नीचे क्या पता ये कब नीचे लुढ़क जाए। आपके लिए जा रहा हूँ रिस्क लेके आगे। ओ माय गॉड, ओ भाई स्वर्ग इधर ही है, स्वर्ग इधर ही है गाइस, स्वर्ग इधर ही है। चलो 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 चलो, भगवान से मिल जाएंगे नहीं तो। इतना जल्दी भगवान से नहीं मिलना है मुझे। गाइज इसी जगह पे टोटल तीन पॉइंट है, सामने की तरफ लुइजा पॉइंट और इधर लायन हेड पॉइंट और मंकी हेड पॉइंट है। तीनों पॉइंट इसी एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। इस पॉइंट पे जरूर आना दोस्तों, यहाँ से आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे और बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे आप अच्छे से फोटोशूट भी कर सकते हो, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ का वेदर बहुत खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। यहाँ पे गाइज जो मुझे सबसे अच्छे पॉइंट लगे हैं वो ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। ये वाले पॉइंट आप जरूर घूमना, अच्छे पॉइंट है, सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट है, बाकी तो बस नाम के पॉइंट है। सूज में ना पैरों की हालत खराब हो गई है पूरी, बहुत ज्यादा खराब हो गई है हालत, पैर ऐसे अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे छिल गए पूरे, पर मजा बहुत आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस घूम के ऐसा लगा है कि जगह सेफ है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले भी हो तो बिंदास घूम सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैं अकेला बैठा हूँ, थक गया यार पूरा घूम घूम के सूज की वजह से, बाकी तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सूज की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मस्त इंजॉय, अकेले में भी इंजॉय होता है यार। मज़ा तो आता है अच्छी जगह हो तो। ये हम वापस आ गए हनीमून पॉइंट की जगह पे। चलिए गाइस वापस चलते हैं मार्केट की तरफ। इतनी अच्छी जगह है तो यहाँ की रेट भी ज़्यादा है, हाई है। 20 की स्प्राइट 40 की, 20 का पानी 30 का, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। सो गाइस फाइनली माथेरान अंदर पूरा घूम के आ गए और जस्ट मैं वापस आ गया हूँ माथेरान रेलवे स्टेशन के पास में। ये राइट साइड में माथेरान रेलवे स्टेशन है और अभी जाते टाइम वापस टॉय ट्रेन में जाने वाला हूँ और जस्ट इसके सामने इधर रिसोर्ट है। चलिए चलते हैं अंदर, अभी टॉय ट्रेन आने वाली है, टिकट लेते हैं, आपको टिकट प्राइस वगैरह सब बताते हैं टॉय ट्रेन के बारे में। माथेरान से हम जाने वाले वापस अमन लोच, टिकट प्राइस है 55 रुपीज। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, अभी जाएंगे ट्रेन के अंदर। ट्रेन में आ गया हूँ मैं। भाई टिकट आपको लेना ही पड़ेगा, बिना टिकट के आप इसमें नहीं जा सकते हो, टिकट टीटी चेक करता है इसमें। गाइस चलिए एंजॉय करते हैं ट्रेन का ये छोटा सा खूबसूरत सफर। तो गाइस हमारी ट्रेन वापस आ गई है अमन लोच, अभी चलिए यहाँ से बाहर निकलते और चलते घर पे। गाइस इतना अच्छे से आपको माथेरान घुमा दिया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान जरूर रखो।